क्रिएशन करछी से कलम तक में कुछ मीठा हो जाए, मैं आज हम लोग बनाएंगे गुलाब जामुन या फिर रसगुल्ला घर पर ही। इसमें अगर इस टाइप की और भी मीठी रेसिपी आप लोग को जाननी हो, त्योहारों का मौसम आने वाला है, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आप लोग को मीठी रेसिपीज से अपडेट कर सकूं। ये आधा लीटर दूध है, आधे लीटर दूध को धीमी आंच पे गाढ़ा करना है, आधा घंटा लगेगा आपको गाढ़ा करने में। गाढ़ा करने के बाद दूध कुछ इस प्रकार से जम जाएगा। ये गाढ़ा किया हुआ दूध है, एक कटोरी निकलता है, आधा लीटर दूध से एक कटोरी दूध गाढ़ा होकर के तैयार होता है। अब इसमें हम लोगों को मिलाना है मैदा। यहाँ पे हम लेंगे 6 चम्मच मैदा। 6 चम्मच मैदा में हमको मिलाना है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। इससे रसगुल्ले हल्के बनते हैं और अंदर तक चाशनी भी भिन जाती है। ध्यान रहे कि मैदे में ही बेकिंग सोडा को मिलाना है। अगर आप जमे हुए दूध के साथ मिलाएंगे तो बेकिंग सोडा किसी एक जगह जम जाएगा, इससे रसगुल्ला खराब हो सकता है। तो पहले सूखे मैदे में ही इसे मिला लेंगे। अब इसमें जो हमने दूध गाढ़ा किया था उस मिक्सचर में मिला देंगे और इसे अच्छे से चम्मच से मिला के फिर इसे हाथ से आटे की तरह गूंथ लेंगे। अगर आपको थोड़ा भी यह गीला लग रहा हो तो आप इसमें थोड़ा और मैदा मिला सकते हैं, और अगर आपको सूखा लग रहा हो तो इसमें आप 1-2 चम्मच दूध भी मिला सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच दूध मिला दिया है ताकि इसे अच्छे से आटे की तरह गूंथने में मुझे आसानी पड़े। अब इसे हाथ से अच्छे से आटे की तरह गूंथ लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसे गूंथ लेंगे उतने ही हल्के रसगुल्ले बनेंगे। इस तरह से मैंने देखिए इसे आटे की तरह गूंथ लिया है। अब हमें इसे रसगुल्ले के आकार देने हैं। रसगुल्ले के आकार देने के लिए सबसे पहले आटे को जितना अच्छे से मैश कर लें उतना ही अच्छा रसगुल्ला आपके लिए बनेगा। अब इसे रसगुल्ले का आकार मैंने दे दिया मैदे का कोट लगा करके। अब एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल या आप शुद्ध देसी घी भी रख सकते हैं, गरम करेंगे, इसे चेक कर लेंगे थोड़ा सा मैदा डाल के कि यह गरम हुआ है कि नहीं, तभी रसगुल्ले डालेंगे। और यह मैदे दूध के गोले जो हमने तैयार किए थे उसे एकदम धीमी आंच पर हमें इसे लाल करना है। दूसरी बात कि इसे हमें लगातार चलाते रहना है ताकि ये बराबर से लाल हो। अगर आप इसे छोड़ देंगे तो एक साइड यह लाल हो जाएगा और दूसरे साइड यह इस तरह से लाल नहीं हो पाएगा। तो इसे हमें लगातार चलाते रहना ताकि ये बहुत खूबसूरती तरीके से ये लाल होगा ये रसगुल्ला। और दूसरी बात कि इसे एकदम धीमी आंच पे हमें लाल करना है, तभी ये गुलाब जामुन बहुत ही यम्मी टेस्टी बनेंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत होंगे। तो धीमी आंच पर इसे चलाते रहें और इसे लाल कर लें। देखिए ये हल्का ब्राउन होना शुरू हो गया है और बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा डालने से इसके साइज भी बढ़ गए हैं, यानी कि ये अंदर से बिल्कुल हल्का रसगुल्ला बनेगा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप खाने वाला सोडा 2 चुटकी डालें, और अगर बेकिंग सोडा डाल रहे हैं तो 1/2 चम्मच डालना है। अब ये रसगुल्ले हल्के ब्राउन हो चुके हैं, जब ये थोड़ा और लाल हो जाएगा तो हमें इसे रिफाइंड ऑयल या शुद्ध देसी घी अगर आप यूज़ करें तो उसमें से इसे निकाल लेना, छन्नी से अलग कर लेना है। रसगुल्ले का साइज़ आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्वाद साइज़ बन गया है। इस तरह से ये लाल हो गए हैं, मैंने इसे कढ़ाई से निकाल लिया। अब हम लोग तैयारी करते हैं चाशनी बनाने की। चाशनी बनाने के लिए 3 कटोरी पानी लिया है मैंने। पानी को पहले गर्म होने देना है। जब पानी गर्म हो जाएगा तो इसमें हम लोग चीनी डालेंगे, 2 कटोरी चीनी डालेंगे। महीन चीनी है इसलिए मैंने 2 कटोरी लिया है, अगर मोटी चीनी है तो 1.5 कटोरी चीनी डालें। साथ में डाला 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 2 बूंद केवड़ा या गुलाब का जल। अब इसे 15 मिनट तक हमें बॉयल करना है और 1 तार की चाशनी बनानी। 1 तार की चाशनी कैसे चेक करते हैं वो मैं बताती हूँ। 1 चम्मच में थोड़ी सी चाशनी ले लें और उसमें उंगली डाल करके आपको इस तरह से करना है। अगर आप तार जैसा बन जाता है तो समझिए कि आपकी चाशनी तैयार हो गई है। अभी यह चाशनी पकी नहीं है इसलिए इसको पकने में थोड़ा वक्त लगेगा, 10 से 15 मिनट चाशनी बनने में लगते हैं। इस तरह से ये चाशनी तैयार हो गई है उबल करके। और इसे रसगुल्ले में डालने से पहले ध्यान रहे कि इसे ठंडा होने देना। जब यह ठंडा हो जाएगा तो जो रसगुल्ले हमने बनाए थे उस चाशनी में डाल करके 15 मिनट तक छोड़ देंगे तो रसगुल्ले के अंदर तक चाशनी भिन जाएगी। इस तरह से आपके त्योहारों के मौसम में बहुत ही यम्मी रेसिपी कुछ मीठा हो जाए तैयार हो जाएगी। अपने गेस्ट को सर्व करें घर की बने रसगुल्ले या गुलाब जामुन। इस टाइप की मीठी रेसिपी